ओके गाइस, देखिए जो है यह है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट में भी लीनियर अरेंजमेंट। द क्वेश्चन से रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 12 पीपल आर सीटिंग इन टू रोज। ठीक है, दो रोज में छः छः लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, यही कह रहा है आपको। ठीक है, कुछ नॉर्थ और कुछ साउथ, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ठीक है, क्या कहता है, डी ई एफ के एल एंड एम आर सीटिंग इन ए रो वन एंड फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो जो डी ई एफ है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो में आएगा, रो वन ये है, कौन कौन आएंगे, डी ई एफ के एल एंड एम, एंड जो बाकी एस टी यू एक्स वाई जेड है सीटिंग इन ए रो टू फेसिंग साउथ, मतलब कि ये रो टू हो गया आपका। ठीक है, द सेम कंडीशन, इसमें भी रो वन ये आपका हो गया, रो टू ये हो गया। मैं दो प्रोबेबिलिटी को साथ लेके चल रहा हूँ, रीजन बिंग क्योंकि क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, ई सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ई जो है थर्ड पे है एक्सट्रीम एंड से बैठा हुआ, तो ई को मैं यहाँ बैठा दिया। ठीक है, क्योंकि ई नॉर्थ को फेस कर रहा था और एक एक्सट्रीम एंड यहाँ आ गया, तो ई में एक को यहाँ बिठा दिया क्योंकि थर्ड बोला था। ठीक है, आगे देख लो क्या कहता है, एस सिट्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस ई। ई को जो फेस कर रहा है, ठीक है, ई को जो है ये फेस कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है, ई सिट्स थर्ड फ्रॉम वन एक्सट्रीम, एस सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस ई। तो सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब एस यहाँ आ गया, इसके सेकेंड टू द लेफ्ट कौन हुआ, ये हुआ। अब अगर इसको फेस करेगा ये, इसके सेकेंड टू द लेफ्ट कौन हुआ, ये हो गया, ये एस हो जाएगा। ठीक है, फाइव हो गया इधर, तो ये सिक्स हो जाएगा इधर। अब थ्री है तो थ्री तो इधर ही होंगे, ये रहा थ्री। ठीक है, अब आगे देख लो क्या कहता है, ओनली, ठीक है, ओनली थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन, एस एंड टी के बीच में तीन लोग हैं। तो सेम केस यहाँ हो जाएगा, वन टू एंड थ्री, तीन लोग हैं तो टी यहाँ हो जाएगा एक। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, के सिट्स समवेयर टू द राइट ऑफ एम। ठीक है, जो के है वो किसके, एम के राइट में बैठता है, तो अभी के का कोई जिक्र नहीं है, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, मोर देन 3% सिट्स बिटवीन एक्स एंड टी। एक्स और टी के बीच में तीन से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ देखिए एक दो तीन, तीन से ज़्यादा हो गए, तो टी एस कौन है आपका, एक्स और टी है ना, तो एक्स को यहाँ बिठा दो। वैसे ही टी कहता है कि 3% से ज़्यादा एक्स और टी के बीच में है, तो इसमें देखो लेकिन नहीं हो पाएगा कहीं भी 3% से ज़्यादा एस और टी में। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि टी और एक्स के बीच में तीन लोग से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस पॉसिबिलिटीज़ में नहीं हो रहा था, तो हम लोग केवल इस पे काम करेंगे, इस पॉसिबिलिटीज़ पे। क्या कहता है आगे, एफ फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। जो एफ है वो इमीडिएट नेबर इसका कौन है, टी का, ये है, यही तो है इमीडिएट नेबर टी का, तो एफ इसको फेस कर रहा है, तो एफ को यहाँ बैठा दिया मैंने। ठीक है, आगे कहता है, जेड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई। जो जेड है वो क्या कहता है, सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई बैठा है, तो जेड किसे है, रो टू में, सेकेंड टू द राइट ऑफ वाई, तो यही होगा, वाई इधर हो गया। ठीक है, आपका वाई आपका जो रहेगा वो इधर बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सेकेंड टू द वाई के सेकेंड टू द राइट कौन है, जेड ये है, तो जेड आपका यहाँ बैठ गया। ठीक है, अब जो बचा वो एक और कौन बचा, देख लो, टी हो गया, यू हो गया। ठीक है, टी हो गया, यू हो गया, अब आपके पास वाई हो गया, यू बचा केवल, तो यू को मैं यहाँ बिठा दिया। ठीक है, अब क्या कहता है आगे, द वन हु फेसेस एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, जो एल को फेस कर रहा है, द वन हु फेसेस एल, एल को जो फेस कर रहा है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, तो एल को फेस ये करेगा तो वो थर्ड को फेस कर रहा है। ठीक है, एक्स जो है वो यू के, ये रहा यू, तो यू के थर्ड में ही है ये सही है। ठीक है, डी फेसेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है, डी फेस कर रहा है।
ठीक है। और एक लाइन यहाँ हमें हमने छोड़ दिया था कि बोला था के सिट्स सम वेयर टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में कौन है, के है, तो के को यहाँ बिठा दो। ठीक है, अब हर कोई आपके सामने है। ठीक है, अब आपका जो है पजल बनकर तैयार है, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का पजल है तैयार है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लो। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस के को कौन फेस कर रहा है, देखो के ये रहा आपका, के को कौन फेस कर रहा है, तो वाई फेस कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, वाई फेस कर रहा है। तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, दो पॉसिबिलिटी लेके चलो, जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज कह रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, ओके।